a dedicated a committed soldier of Sampraday. Aditya, जब दिल्ली में सम्मेलन करने चाहता था, ये दिल्ली में आज तक सर्वदा सम्मेलन नहीं हुआ, महादेव त्रिवेदी जी से बात करके वो मेरे पास प्रस्ताव किया जी हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में करने चला। मैं बोला हम लोग का तरफ से सारे सहयोगिता सारे सहाय आपका साथ है, ये सम्मेलन हम लोग का है, ये घर का है, आज बहुत सा बोलना है, लेकिन मैं इस टाइम में नष्ट नहीं करके दूसरे कोई क्षेत्र में बोलने का कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सुनने चाहता है प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी से, मैं सुनने चाहता है हमारा परम गुरु डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी से, और जो लोग सारे देश नहीं सारा विश्व को गांधी और विश्व शांति के बारे में पीस लव ब्रदरहुड यूनिवर्सल ब्रदरहुड हारमोनी और इक्वालिटी के लिए काम कर रहा है, इस सबको सुनना चाहिए, और युवा समाज को किस तरीके से मोटिवेट करके हम लोग ले आ रहे हैं। 150 बा और बापू का जन्म दिवस के पहले हम लोग हरिजन सेवक संघ सिद्धांत दिया, 10 मार्च वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई, ये हर स्कूल में हर कॉलेज में हर जेलखाना में हम लोग गांधी का वाणी और गांधी के लिए चर्चा करने का एक साल भर का एक प्रोग्राम लिया है, और ये चेन्नई से 10 मार्च शुरू होगा, और उसका बाद सारे गवर्नमेंट ऑफ ये तमिलनाडु दे क्लियर जे उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ये सर्कुलर दिया जी हरिजन सेवक संघ का इस काम में मदद करने के लिए। एक इसका साथ साथ हम हर एक स्टेट में अभी बिहार में बहुत अच्छा सम्मेलन करके आया, और उसमें एक कुर्सेला में जो गांधी ग्राम गांधी हॉल है सर्वदा आश्रम, उसमें इतना बड़ा सम्मेलन एक गांव में इतना बड़ा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर 40 किलोमीटर ऑन फुट वो गांधी जी का पाठ करते करते चले, और मैं तो देख के इतना खुशी हुआ जे एक यंग आईएएस ही डिवोटेड 3 डेज 9th February to 12th February ही स्टेड एंड 40 किलोमीटर ऑन फुट गांधी जी जिस रास्ता से कुर्सी गया था वहां आए, तो सम्मेलन और वहां का गांव में इतना डर आया है कि गांधी का बात सुनने के लिए यंग भी बहुत आ रहा है। आदित्य भाई ने बोला ना बहुत सा यंग बहुत सा कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ जा रहा, हाउ टू पार्टनर दिस मैसेज टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दैट इज अवर मेन थ्रस्ट। आज जो पुराना गांधीवादी आदमी है वो तो जिंदगी भर काम करके गया है, अभी नया प्रजन्म को किस तरीके से हम लोग पार्कुलेट कर सकेगा, इसके लिए नया योजना बनाना चाहिए, नया सोचना चाहिए, और इसके लिए घरवा बैठक करके और थोड़ा कंसेंट्रेट होना चाहिए। इस बोल के मैं मेरा बात का विराम दे रहा है।